हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, काफी टाइम बाद आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 18 अमेजिंग किचन गैजेट, जो कि आपको काफी पसंद आएंगे और आप इन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पाइरल पोटैटो कटर। दोस्तों, आपने मार्केट में स्पाइरल पोटैटो तो खाए होंगे, तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये स्पाइरल कटर, जिससे कि आप घर पर ही पोटैटोस को स्पाइरल शेप में कट कर सकते हैं। बस इसमें आपको पोटैटो को फंसाना है और इस गैजेट को राउंड राउंड घुमाना है और पोटैटो स्पाइरल शेप में कट हो जाएंगे। फूड डिहाइड्रेटर। दोस्तों, फ्रूट्स को लंबे टाइम तक चलाने के लिए हम उसे डिहाइड्रेट कर देते हैं, जिसके लिए हमें उसे धूप में कई दिनों तक रखना पड़ता है। तो अब मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ ये पोर्टेबल मशीन, जिसमें आपको फ्रूट्स को कट करके या हब को रख देना है और इसे 12 घंटे के लिए ऑन कर लेना है और 12 से 48 घंटे में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स परफेक्टली डिहाइड्रेट हो जाएंगे, जिसे आप जब भी चाहें पानी में भिगाकर यूज कर सकते हैं। वैक्यूम सील पैक। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट गैजेट है ये फूड सेवर सीलिंग पैक। आप इसकी मदद से फूड आइटम्स को सील पैक कर सकते हैं। बस आपको फूड को पॉली में रख लेना है और इस मशीन में लगा देना है और ये फूड को वैक्यूम सील पैक कर देगी, जिससे कि फूड आइटम्स लंबे टाइम तक चलते हैं। कुकीज मेकर। दोस्तों, अब घर पर ही कुकीज बनाने के लिए मैं लेकर आ गया हूँ बहुत ही यूजफुल और छोटा सा गैजेट। बस आपको आटे या मैदे को अच्छे से बेल लेना है और उसके बाद इस गैजेट को लोहे के ऊपर रख कर प्रेस करना है, जिससे कि राउंड शेप में कुकीज कट हो जाएगी। इसमें आपको दो डिजाइन मिल जाते हैं, जिसे आप बेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट गैजेट है ये इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर, जिसके साथ आपको 4 अटैचमेंट मिल जाती हैं, जिन्हें आप इसमें लगाकर इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं और क्रीम को फेंट सकते हैं और अपनी कई सारी डिशेस बना सकते हैं, जो कि फूड को मिक्स करने के लिए काफी यूजफुल गैजेट है। मल्टी फंक्शन स्लाइजर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट गैजेट है ये अमेजिंग स्लाइजर, जिससे आप वेजिटेबल्स को स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। बस आपको वेजिटेबल्स को पकड़कर इसके ऊपर चलाना होता है और वेजिटेबल्स स्लाइजर में कट होते रहेंगी। आप इसमें पोटैटो, कुकुम्बर, कैरेट जैसी वेजिटेबल्स को इजीली स्लाइसेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स। दोस्तों, अगर आपको भी ऑफिस में ठंडा खाना खाना पड़ता है, तो आप यूज कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स का, जिसमें कि आप अपनी मील को ले जा सकते हैं और अपनी कार में या ऑफिस में 12 वॉट के सॉकेट से लगाकर 15 मिनट में अपने खाने को गर्म कर सकते हैं और गर्मा गर्म खाने का मजा ले पाएंगे। वाटर फिल्टर जग। दोस्तों, पानी को फिल्टर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ ये छोटा सा जग, जिसमें आप 2 लीटर तक के पानी को रख सकते हैं। इसमें एक फिल्टर लगा होता है, जो पानी को कुछ ही मिनट्स में फिल्टर कर देता है। बस आपको इसमें पानी को फिल करना है और 5 से 10 मिनट के अंदर ये पानी को फिल्टर कर देता है, जिसे आप ड्रिंक कर सकते हैं। स्लाइजर कप टूल। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट गैजेट है ये छोटा सा स्लाइजर कप, जिससे आप फ्रूट्स को स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। बस इसे आपको फ्रूट्स के ऊपर रख लेना है और इसे प्रेस करना है, जिससे फ्रूट्स स्लाइसेस में कट हो जाएंगे और आप फ्रूट्स को मजे से खा सकते हैं। स्पाइरल कटर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट गैजेट है ये 3-in-1 स्पाइरल कटर। बस इसमें आपको वेजिटेबल्स को फंसाना होता है और इसके हैंडल को घुमाना होता है और वेजिटेबल्स नूडल शेप में, स्पाइरल शेप में या रिबन शेप में कट होकर आती रहेंगी, जिसे आप अपने डिशेस में डाल सकते हैं। चॉकलेट एंड नट ग्रेटर। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट को ग्रेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इस ग्रेटर का। बस इसमें आपको चॉकलेट या ड्राई फ्रूट्स को फिल कर लेना है और इसे बंद करके इसे घुमाना होता है, जिससे कि ड्राई फ्रूट्स ग्रेट हो जाएंगे और उन्हें आप अपने डिशेस में डाल सकते हैं। पिकल जार। दोस्तों, जब भी हम अचार को जार से निकालते हैं, तो काफी सारा ऑयल भी आ जाता है, तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ ये पिकल जार, जिसमें कि आप अचार को रख सकते हैं और जब भी आपको अचार निकालना हो, तो इसे उल्टा करके रख देना है, जिससे कि सारा ऑयल नीचे बैठ जाएगा और आप अचार को इजीली निकाल सकते हैं। ब्रेड टोस्टर। दोस्तों, ब्रेकफास्ट में कई सारे लोग ब्रेड्स वगैरह खाते हैं, तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये 2 स्लाइस ब्रेड टोस्टर, जिसमें आप 2 ब्रेड को डाल सकते हैं और इसे ऑन करके इसके हीट को एडजस्ट कर सकते हैं और ब्रेड टोस्ट होने के बाद
ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाते हैं और आप गर्मा गर्म टोस्ट का मजा ले पाएंगे। फ्रेंच फ्राइज कटर, दोस्तों आप घर पर ही फ्रेंच फ्राइज कट करने के लिए मैं लेकर आ गया हूँ कमाल का गैजेट, जिसमें आपको वेजिटेबल्स को रख कर इसके दिए गए कवर से उसे प्रेस करना होता है और वेजिटेबल्स फ्राइज शेप में कट होकर आती रहेंगी। इसमें आपको तीन टाइप की ब्लेड्स मिल जाती हैं, जिससे कि आप वेजिटेबल्स को वेज शेप में, क्यूब शेप में और फ्राइज शेप में कट कर सकते हैं। बटर स्टोरेज बॉक्स, दोस्तों हमारा नेक्स्ट गैजेट है ये अमेजिंग बटर स्टोरेज बॉक्स, जिसमें आप 500 ग्राम बटर को रख सकते हैं। इसमें नीचे की साइड आपको थोड़ा पानी फिल कर लेना है और ऊपर की साइड आप इसमें बटर की टिक्की को रख सकते हैं और बटर को इजीली निकाल भी सकते हैं, जो कि पूरी तरह से हाइजीन रहता है, जिसे आप 100 रुपीस में बाई कर सकते हैं। चीज मेकर, दोस्तों हम में से बहुत से लोग घर पर ही पनीर बनाते हैं, तो अब पनीर बनाने के लिए मैं लेकर आ गया हूँ चीज मेकर, जिसके कंटेनर में आपको गर्म दूध को रख लेना है और इसमें लेमन जूस डाल देना है और जब दूध फट जाए तो उसे ठंडा होने के बाद छान लेना है और इसे एक घंटा फ्रिज में रख देना है और एक घंटे बाद पनीर रेडी हो जाएगा। ग्रिल बास्केट, दोस्तों अगर आपको भी ग्रिल फूड खाना पसंद है तो आप यूज कर सकते हैं इस रोलिंग बास्केट का। बस इसमें आपको अपने पसंदीदा फूड को डाल लेना है और इसे बारबेक्यू के ऊपर रखकर पकाना है और कुछ ही टाइम में परफेक्ट ग्रिल फूड रेडी हो जाएगा। पोच मेकर, दोस्तों अगर आप भी एग पोच खाना पसंद करते हैं तो ये छोटा सा गैजेट काफी यूजफुल है। बस आपको यूटेंसिल में पानी रख देना है और उसे स्टोव में गर्म करने को रख लेना है और फिर इस गैजेट को रख लेना है। उसके बाद आप इसमें एग को फोड़कर डाल सकते हैं और 4-5 मिनट के अंदर परफेक्ट एग पोच रेडी हो जाएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा गैजेट सबसे ज्यादा पसंद आया। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।